हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे गूगल कीबोर्ड में अपना पसंद का वॉलपेपर कैसे सेट करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि गूगल के कीबोर्ड में आप अपना इमेज या कोई भी एक वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। तो गाइस, जिन्हें ये नहीं पता वो इस वीडियो को देख कर आसानी से ये कर सकते हैं। तो पहले आप किसी भी सर्च बार में जाके अपने कीबोर्ड को इस तरह से ओपन करेंगे। उसके बाद साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आएगा जिसमें से आप थीम पे क्लिक करेंगे। थीम पे क्लिक करते ही आपके सामने माय थीम, कलर्स, लैंडस्केप, लाइट गार्डियन, डार्क गार्डियन का बहुत सारा ऑप्शन आएगा जिसमें से आपका कोई पसंद है तो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके आप वो डाउनलोड करके सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक वॉलपेपर सेट करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको सेम कोई वॉलपेपर सेट करना है तो कर सकते हैं। पर गाइस, अगर आपको अपना कोई इमेज गूगल कीबोर्ड में सेट करना है तो आप फिर से माई थीम पे जाएंगे और प्लस के बटन पे क्लिक करके अपना इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। इमेज को अच्छी तरह से सिलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने ब्राइटनेस एडजस्ट का ऑप्शन आएगा जिस पे आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे और डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करते ही अप्लाई का ऑप्शन आएगा जिस पे आप अप्लाई कर देंगे तो आपका कीबोर्ड में आपका इमेज सेट हो जाएगा। गाइस, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपना कीबोर्ड को कूल बना सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।